नेक्स्ट सीरीज में देखने वाले 27 मार्च से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो उस वीडियो में कवर करने वाले। चलते हैं देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पॉइंट देखें क्या कहता, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिक्की क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो पूछेगा हाल में भारत सरकार ने किसान के बीमे के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो आप आंसर बताएंगे डिक्की क्लेम। किसको लॉन्च किया, डिक्की क्लेम। जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उन्होंने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल डिजिटल क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया। इसके जो प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है वो भारतीय फसल को उठाने वाले किसानों को बीमा देने के लिए तेज़ी से लाने के लिए, ताकि उन्हें बीमा तेज़ी से मिल जाए। तो भारत सरकार किसान बीमा दावों के लिए डिक्की क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखें, सर्वानंद सोलवाल ने MOPSW के रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सागर मंथन का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा हाल में ही सागर मंथन का उद्घाटन किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे सर्वानंद सोनवाल ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, हल्द्वानी को मिलेगा खेल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देखिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या हाल में घोषणा की है कि जो हल्द्वानी है उसे क्या मिलेगा, खेल विश्वविद्यालय। तो खेल यूनिवर्सिटी जो है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पर खुलेगी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये खुलेगी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य इरोड में खुला। पूछा जाएगा हाल में ही नया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ खुला, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। और ये उसका कौन सा 18वां, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है थाने थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है, थाने थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे, ये इरोड, तमिलनाडु का एक जिला पड़ता है इरोड में ये खोला गया। तो देखिए इसके पीछे ये आ रहा, देखिए आप थाने थाई पेरियार, क्योंकि जो पेरियार है वो पेरियार करके अभ्यारण है वो कहाँ पे, केरल में। तो उसको बच्चा समझेगा कि ये केरल में, जबकि ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के इरोड में ये नया वन्य जीव अभ्यारण खुला। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल पर रहने के लिए केवल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। NGT ने रामसर जो साइट्स होती हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो केरल सरकार ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट चलते हैं देखें, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों महंगाई के भत्ते के लिए 4% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें, भारतीय नौसेना के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRIC द्वारा निर्मित 8 स्वदेशी जहाज़ों की श्रृंखला में डैस को लॉन्च किया। तो ये किसको लॉन्च किया, तो आप बताएंगे INS एंड्रोथ को, क्या INS एंड्रोथ को उसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, विश्व थिएटर दिवस हर साल किस दिन बनाया जाता, तो उसका आंसर होगा 27 मार्च। कब बनाया जाता, 27 मार्च को बनाया जाता। नेक्स्ट चलते हैं देखें, विश्व थिएटर दिवस की थीम क्या थी, तो आप आंसर बताएंगे थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट चलते हैं देखें, किसने इंडिया प्रीमियर लीग IPL के टूर्नामेंट से पहले क्रिकी पे नाम से एक नया क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स लॉन्च किया, तो आप आंसर बताएंगे असनीर ग्रोवर। किसने किया ये, असनीर ग्रोवर ने किया, असनीर ग्रोवर ने ये किया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, गूगल डूडल दुनिया की सबसे तेज महिला स्वर्गीय डैश 70वीं जयंती बना रहा है, तो ये किसकी 70वीं जयंती बना रहा है, तो आप आंसर याद रखेंगे किट्टी ओनील की 77वीं क्या है जो जयंती है वो बना रहा है। ये एक अमेरिका की स्टंट वूमेन किट्टी ओनील है। ये कहाँ की है, ये अमेरिका की है, और ये खतरों के खेल के स्टंट का करने का इन्हें शौक था, तो उनके उसके याद में गूगल इन्हें अपने उस पर स्वर्गीय उसमें जयंती बना रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखें, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, तो आप याद रखेंगे अनुराग बिहार। क्या नाम है इनका, अनुराग बिहार। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, तो आंसर होगा अनुराग बिहार। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक लिखी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीमंत कोकटे। किसने लिखी है, श्रीमंत कोकटे ने ये लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद, कौन सा बैंक रूसी संयुक्त उद्यम SBI को 121 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेगा, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा केनरा बैंक। कौन बेचेगा, केनरा बैंक। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय व्यापार निपटाने के लिए डैश और अपने राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए हरी झंडी दिखाई है, तो आप आंसर होगा तंजानिया। किसने दिखाई है, तंजानिया ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें, कौन सा देश हाल में ही ब्रिक्स बैंक में बनाए गए नए सदस्यों के रूप में शामिल हुआ, तो आंसर बताएंगे इसका, ये हो जाएगा मिस्र ने ये काम किया, आंसर हो जाएगा इसका इजिप्ट।
नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस बैंक ने हाल में ही SBI लाइफ इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में करार दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करूर वैश्य बैंक। किसको दिया? करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, देखें हिंडनबर्ग शॉट के बाद जैक डॉर्सी की संपत्ति गिर गई, तो कितनी गिर गई है? तो आप याद रखेंगे 5 to 6 million इनकी संपत्ति गिर गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3700 करोड़ रुपए से अधिक 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ ये किए? तो आप याद रखेंगे BEL के साथ ये किए हैं, मतलब किसके साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में समझौते ये किए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारत के अंतर मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल ने डैश के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी वार्ता के दौर में भाग लिया, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। इसमें लिया बाली इंडोनेशिया। कहाँ पे लिया? बाली इंडोनेशिया में। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद कोंकण रेलवे कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास भारतीय नौसेना के बीच 2023 तक भारत के कोंकण तट पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे किसके बीच में किया जा रहा है? तो ये रॉयल नेवी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे 28 मार्च से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट चलते हैं, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल पूछेगा, हाल में ही कौन सा फिल्म फेस्टिवल हुआ? तो आप बताएंगे अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल हुआ है। ये कहाँ पे हुआ, ये आपसे इसके बारे में कुछ पूछ सकता है, तो आप याद रखें ये मतलब शहरी फिल्म महोत्सव आयोजित करने के लिए ये चलाया गया फ्रांसीसी, उसमें तो आप बस ये याद रखना हाल में ही पूछा जाएगा कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया, तो आप बताएंगे अर्बन क्लाइमेट। क्या नाम है इसका? अर्बन क्लाइमेट, नई दिल्ली के उसमें ये फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पूछेगा हाल में ही इंटेल के जो संस्थापक है गॉर्डन मूर्क, तो उनका हाल में ही क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, यूनेस्को की जो रिपोर्ट है, तो आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार हाल में ही कितने परसेंट लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो आप बताएंगे 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें सरकार ने कच्चे जूट MSP 300 रुपये से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, तो आप याद रखेंगे सरकार ने कच्चे जूट का जो दाम बढ़ा दिया है, तो पूछा जाएगा हाल में ही किसका दाम बढ़ा दिया गया? तो कच्चे जूट का 300 से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद कैबिनेट के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए केंद्रित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, तो पूछा जाएगा हाल में ही प्रधानमंत्री ने किस लाभार्थियों के लिए केंद्रित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है? तो आप आंसर याद रखेंगे उज्ज्वला योजना के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद समीला टेंटे AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए, पूछा जाएगा हाल में ही किसको AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आप आंसर याद रखेंगे सलीमा टेंटे। ये क्या है? एक भारतीय हॉकी टीम की ये क्या थी, मतलब इन्होंने हॉकी की तरफ भारत की तरफ से हॉकी इन्होंने खेला, तो उसके उनमें एम्बेसडर चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद ये क्या, अगर HFS की AHF की वो आपसे फुल फॉर्म पूछने लगे तो याद रखना एशियाई हॉकी महासंघ के बने। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इंटेल के सह संस्थापक का नाम बताइए जिसका हाल में ही निधन हो गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉर्डन मूर। क्या नाम हो जाएगा? गॉर्डन मूर नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने थानेथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य डैश में अभ्यारण घोषित करने का निर्णय लिया, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 18वां उसको ये लिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद मुक्त सीमा समस्याओं को मांगे एम्पियर समीकरण सहित गैर रेखिक आंशिक अंतर समीकरणों के लिए मौलिक योगदान में 2023 का एबल पुरस्कार किसने जीता? तो आप याद आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, लुइस काफारेली। किसने जीता? लुइस काफारेली ने। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद 2 साल की अवधि के लिए भारत AHF एथलीट एम्बेसडर की नियुक्ति करेगा, तो किसके लिए करेगा ये? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, सलीमा टेटे। किसके लिए? सलीमा टेटे के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार के किस में एक खेल विश्वविद्यालय जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो स्थापित करेगा, तो ये उत्तराखंड में मैंने बताया था किसका? हल्द्वानी में ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजिटल क्लेम नामक एक नया मंच किसने पेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, तो उन्होंने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश रुद्राक्ष कन्वर्सन सेंटर में TV शिखर में सम्मेलन को संबोधित किया, तो आप बताएंगे ए हो जाएगा इसका, वाराणसी को संबोधित किया।
नेक्स्ट चलते हैं, MOPSW रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड सागर मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो उसका आंसर हो जाएगा सर्वानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्वानंद सोनोवाल ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितनी जनसंख्या के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 26% लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद एबल पुरस्कार का मौद्रिक मूल्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 7.5 मिलियन करोड़। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से देखें, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने हाल में ही डैश के दायरे में रहकर भारतीय फसल पोर्टल डिजिटल दावा निपटान मोडियाल डिजिटल गेम का शुभारंभ किया, तो ये किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से इन्होंने किया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए किस राज्य की सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, किसके साथ किया? केरला के साथ इन्होंने ये किया कि 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद वायु प्रहार अभ्यास पहली बार कब आयोजित किया गया? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, 2018। कब किया गया? 2018। नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डैश की बढ़ोतरी की है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4% को ये बढ़ा दिया गया। देखिए अब देखते हैं इसमें 29 मार्च से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखें इसमें इम्पोर्टेंट पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अमित शाह ने दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया। पूछेगा हाल में ही वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। ये पोर्टल बनाया किसके उससे? तो ये पोर्टल जो बनाया आम लोगों को अधिक सुलभ बनाने के लिए बनाया गया है और चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है इसमें, तो उसके लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें PM मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। जो प्रधानमंत्री ने हाल में ही कॉल बिफोर यू डिग नामक एक ऐप लॉन्च किया। देखिए प्रधानमंत्री ने हाल में ही असंगठित खुदाई को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी भूमिगत उपयोगिता संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐप दूरसंचार और भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, जो गुजरात सरकार के अधीन काम करता है और उसका प्राथमिक उद्देश्य भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की रचना करनी है। तो पूछेगा हाल में PM मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद तमिलनाडु के नाम पर कुडलोर तट पर मोर ए इल नई प्रजाति की खोज की गई है। पूछा जाएगा हाल में ही कहाँ पर कुडलमोर तट पर मोर इल एक नई प्रजाति की खोज हुई है, तो आप आंसर बताएंगे ये कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ये पूछ सकता है काई की प्रजाति है मोर ए इल, तो ये एक मछली की प्रजाति है। किसकी है? कि मछली की नई प्रजाति की तमिलनाडु में एक खोज हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें LAC पर एक बहु डोमेन अभ्यास वायु प्रहार आयोजित किया गया। पूछा जाएगा हाल में बहु डोमेन अभ्यास वायु प्रहार कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आप आंसर बताएंगे LAC पर ये किया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें यस बैंक ने INSL के साथ पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करता। यस बैंक INSL के साथ पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करता। नेक्स्ट चलते हैं, देखें फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकन वैली बैंक का अधिकरण किया। पूछेगा हाल में किसने सिलिकन वैली बैंक का अधिकरण कर लिया, तो आप बताएंगे फर्स्ट सिटीजन्स ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद अमित शाह ने किस राज्य में वैदिक हेरिटेज नामक पोर्टल लॉन्च किया, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, नई दिल्ली में ये किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हाल में ही किसने असंगठित खुदाई को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप नामक लॉन्च किया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही किस राज्य ने नाम पर कुडलोर तट मई मोर एल एक नई प्रजाति का हुआ है, तो आप आंसर बताएंगे तमिलनाडु में, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही कहां पर एक बहुमेन डोबेन अभ्यास प्रहार आयोजित किया गया, तो आप आंसर बताएंगे इसका हो जाएगा बी, LAC पर ये किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हाल में किस बैंक ने INSL के साथ अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, कौन सी हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज डी, यस बैंक ने ये की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही किस बैंक ने सिलिकॉन वैली का अधिकरण किया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। किसको किया? फर्स्ट सिटीजन बैंक, बी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही प्रमुख
बीमा कंपनियों ने किस एक बीमा कंपनी एनीवेयर कैशलेस सुविधा पेश की है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ICICI लैम्बोर्ड। किसने किया? ICICI लैम्बोर्ड ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यगंधा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 29 मार्च। कब मनाया जाता है? 29 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही MT वासुदेवन नायर को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए केरला। किसको दिया गया? केरला को दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही इसरो ने कहाँ पर LVNM वेब इन इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए श्रीहरिकोटा। कहाँ पे किया है? श्रीहरिकोटा में किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही WPL 2023 फाइनल किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मुंबई इंडियंस। किसको हराया? मुंबई इंडियंस को। तो पूछेगा मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से हराया। हाल में ही WPL 2021 टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से हराया, तो आप बताएंगे मुंबई इंडियंस ने इसको 7 विकेटों से हराया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही ऑटोबायोग्राफी आज़ाद जल्द ही रिलीज़ होगी, तो वो किसकी है? तो गुलाम नबी आज़ाद। किसकी? गुलाम नबी आज़ाद।